अच्छा लग रहा है। मैं इतना फ्रेश ब्लॉग डालती हूँ इसलिए आप इतना प्यार देते हो। बचपन में जो हम अपने रजिस्टर अपने नोटबुक वगैरह पे स्टिकर स्टिच करने के लिए, मैं सोच रही हूँ एक प्लेट समोसा चाट खा लिया जाए। सोच रही हूँ एक लेमन भी ले लूँ। देख रहे हो आप कितने फिटनेस पे ध्यान देते हैं एक हम। गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच इतना आप व्लॉग को प्यार दे रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरीके से प्यार दो। आज मैं आपको इस व्लॉग में बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक वॉक करके आ गए तो कुछ कैलोरीज बर्न हुई है, उसको मैनेज करने के लिए मैं सोच रही हूँ एक प्लेट समोसा चाट खा लिया जाए। यहीं पे है के रोड पे ये मिठाई वाला, तो आप यहाँ से खा सकते हो, अच्छा होता है काफ़ी। हाय समोसा चाट तो हमने लिया है समोसा चाट। गो नो 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 गो गुड गुड नो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं इनके पास। आप आके इंडियन फूड खाना है तो आप यहाँ भी आ सकते हो और ट्राई कर सकते हो। सारी मिठाइयाँ हैं, रेट मत पूछना मेरे से, रेट क्या बताऊँ मैं आपको, आप बताना गेस करना कितने का ये सारी मिठाइयाँ। आ गए हम समोसा चाट खाने, पहले भी आए हुए हैं, बहुत टेस्टी था, अच्छा सा था, तो सोचा आज भी ट्राई कर लिया जाए। कैलोरीज बहुत बर्न कर ली ना मैंने, तो सोचा कि कैलोरीज इनटेक भी तो करना चाहिए। वो नहीं दिखाना था सॉरी, यही लग रही। बाहर निकलते हैं वॉक के लिए, लेकिन रास्ते में जो काम दिखता है वो करते जाते हैं। हम सारे इंडियंस का यही हाल रहता होगा मैं अकेली नहीं हूँ, तो मैंने सोचा है कि पास में ही इंडियन पार्लर है तो मैं थोड़ा अपने आईब्रो पे अत्याचार करवा लूँ। और चल आधे मोड़ के मत चलना। आधे मेरा मन क्या करता है कि मैं एक बनवा लूँ, एक अगले दिन बनवाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है। मतलब मेरे को 3-4 महीने हो गए आईब्रो नहीं बनवाया है मैंने, और मुझे सैटरडे को पार्टी अटेंड करना है, ज़रूरी है आईब्रो बनवाना। तो चलो देखते हैं आज का कैसा होता है एक्सपीरियंस। हिम्मत है मेरे अंदर, है मेरे अंदर हिम्मत, बन तो नहीं है देखते हैं ना। ये भी दिक्कत यहाँ पे, ओपन हो ना हो, यहाँ पे आप 7 बजे के बाद ना सब बंद। मैं इसे दूर से देख रही थी, मुझे लगा कोई किसी से कुछ छीन रहा है। ये देखो हेयर एंड ब्यूटी पे अपने आईब्रो पे अत्याचार करवाने चलते हैं। जूस की दुकान, यहाँ पे आप जूस ले सकते हो जूस ले लो जूस नहीं जाएंगे हम। हमारा क्वीन स्ट्रीट किस साइड से होगा? क्वीन स्ट्रीट तो हमें थोड़ा सा सामान भी तो लेना था, थोड़ा सा काउंटडाउन से। हाँ इतना सा सामान लेना है मेरे को, बोलोगे अब इतने से ज़्यादा नहीं दिलाऊंगा इतना सा आएगा कितना प्रेम भर के एक यहाँ पे ये अच्छा है। अभी जैसे इंडिया में होते हैं ना जो मतलब होमलेस होते हैं जो पैसे लेते हैं, इंडिया में ही नौटंकी नहीं करते, यहाँ पे भी नौटंकी करते हैं। एक बंदा पैसा मांग रहा था, उसने क्या किया था, अपना दोनों हाथ जो है ना हुडी में छिपा रखा था, और बाजू ऐसी लग रही थी कि उसके पास हाथ ही नहीं है,
और एक मतलब कोई अपना खाना वाना खा रहा होगा और उसके पास क्या बोलते उसको सिगार इलेक्ट्रिक वेप रखा हुआ था, तुरंत उसके हाथ निकाल के लेने की कोशिश की, वो तुरंत उसने तो हर जगह का यही हाल है, बस इंडिया थोड़ा ज़्यादा उस पर आ जाता है और ये छिपे हुए हैं तो ये आते नहीं है। हम आ गए हैं क्वीन स्ट्रीट पे, अभी नीचे जाते टाइम तो जान नहीं निकलेगी मेरी, लेकिन वापस नहीं आना है मेरे को यहाँ पे। अच्छी बात है ये। मैं भी सीखूंगी। ये है यहाँ का के रोड, मुझे पूरा स्पेशल रोड लेकिन मुझे के रोड क्यों बोलते, इसका नाम क्या है पूरा वो मेरे को पढ़ना नहीं आता ना, तो इसलिए मैंने भी बोल दिया के रोड। वैसे मुझे लगता है कि सबको ही पढ़ना नहीं आता होगा। मजाक कर रही हूँ। तो वैसे इसको बोला भी जाता है के रोड, है ना, के रोड ही बोलते हैं इसका नाम। बहुत बड़ा है इसका नाम। कहाँ जा रहे हैं अनिल, बताना चाहोगे? अभी बहुत दूर के हैं, अभी थक गए हैं। यहाँ पे यही है कि आपको ना लोग यहाँ के पतले क्यों होते बताए, हम इंडिया जाते तो हमें बोला जाता है कि अरे तुम तो पतले हो गए। हम इसलिए पतले हो जाते हैं कि रोड यहाँ का ना बहुत ही अच्छा है। अभी दिखा दे, देखो दिख रहा है बिल्कुल नीचे की तरफ, वहाँ से हम यहाँ आए। किस तरह जाना आपको पता है ना? इसका यही रास्ता है ना स्कूल जाने का, तो बेचारे को लग रहा है कि हम स्कूल जा रहे हैं। स्कूल शाम को कब गए हैं? सुबह जाते हैं ना स्कूल मॉर्निंग टाइम में। हम जो डार्क मिस कर रहे हैं ना छुट्टियां बहुत ज्यादा। साइकिलिंग के लिए ना, कि सो गाइस ये है हमारा पिंक रोड। तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था मैं पिंक जैकेट पहन के आई, तो कुछ पिंक पिंक होने वाला है। आप देख सकते हो कितना मतलब कितना सुंदर लगे। इसमें सिर्फ हम वॉक कर सकते और इस पर जिनको साइकिलिंग करनी है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है जब लाइट मतलब जब अंधेरा हो जाएगा ना ये इतना ग्लो करता है ना, मैं अपने बिल्डिंग अपने फ्लोर से देखती हूँ, इतना सुंदर लगता है ना ये, मैं आपको क्या बताऊँ। आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ ये रोड कहाँ तक गए हैं। कैसा लगा पिंक रोड? अच्छा। तो पिंक रोड पे आप कैसे चल रहे हो? तो इस पे तो हमें चलना चाहिए ना सिर्फ लड़कियों को। अच्छा। इसलिए ब्लू कर दिया गया यहाँ पे लड़कों का। ऐसा कुछ नहीं, आपने मान लिया ना कि पिंक लड़कियों का नहीं लड़कों का भी अच्छा लिए अच्छा कलर होता है, पिंक है, ब्यूटीफुल है ना। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कौन सा आगे आप कमेंट करना इसके बाद क्या, कौन सा गाना था, कौन सा बता रहे थे? पूरा गाना याद करिए, रंग गुलाबी। हाँ, इतना ही याद है। अब मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ गाने में कि मुझे याद हो, मैं तो अलग ही कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ? रिमिक्स बनाते हो? मैं तो ऐसा रिमिक्स बनाती हूँ ना, सर्च करने पे भी नहीं मिलेगा। देख रहे हो आप कितने फिटनेस पे ध्यान देते हैं, एक हम है बस वॉक के लिए निकल जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे इसी तरीके से होता है सब कुछ। वैसे ये पिंक रोड कहाँ पे खत्म होगा कुछ आइडिया है? नहीं यार, हम फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने आए। अरे यार बढ़िया, इसे बोलते हैं नेल्सन साइकिल वे। साइकिल वे, साइकिल वे और मुझे पैदल जाने के लिए अच्छा है, वॉक के लिए काफी अच्छा है ये। तो गाड़ियां नहीं आती।
हाँ मेन वही होता है, पता है आप जब वॉक करते हो ना रोड वगैरह पे करते हो, स्पेस तो होता है लेकिन जब गाड़ियाँ वगैरह आती हैं तो थोड़ा सेफ फील नहीं होता और डिस्टर्ब भी होता है। तो यहाँ पे आप आके, अगर आप यहाँ पे हो न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में हो, तो यहाँ पे अच्छे से वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। मुझे लग रहा हाँ मुझे लग रहा है कि जैसे अभी का मौसम हो रखा है अच्छा सा, ऐसे मॉर्निंग में भी अच्छा होगा ना। तो अभी ठंड शुरू हो गई है तो सुबह और शाम का मौसम कैसा अच्छा है? बहुत अच्छा है, अभी देखते हैं। रनिंग करोगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे घर तक पहुँचना है, यहीं पे आधे रास्ते में बेहोश नहीं होना है। गई मैं, थक गई, अब नहीं जा, अब ये कलरफुल रोड आ गया पर कलरफुल नहीं है, वो ब्रिज है। अच्छा यार बहुत दूर है यार, तो कहाँ आ गए? रेनबो ब्रिज, अब नहीं जाना आगे, वापस चलना पड़ेगा, ऐसे बीच में वापस नहीं आ सकते। अरे कहाँ तक होगा, 1 किलोमीटर तक तो नहीं है? 1 किलोमीटर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1 किलोमीटर कुछ नहीं है, लेकिन 1 किलोमीटर न्यूजीलैंड में अगर आप चल रहे हो ना, तो इंडिया के 5 किलोमीटर बना लो। ये तो नॉर्मल रोड है, ये तो नॉर्मल है, ये देखो कैसे दिखाऊं, कैमरे में इतना नहीं आ पाता है रियल में ना, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं और ही चल रही हूँ। देखो पीछे देखना, जैकेट से मैच कर रहा है। इसीलिए व्हाइट पिंक पहन के आया था ना? हाँ, पहले मैंने ब्राउन खाया था, फिर मैंने कहा कि नहीं आज तो मुझे पिंक दिखाना है, तो पिंक पहन के जाती हूँ। पिंक मिलेगा रेनबो से। हाँ अभी मैं आपको एक चीज और दिखा दूँ। स्माइल स्माइल, क्या देख रहे हो? ये वाला पिंक लाइन है, लाइट पाथ। कहाँ तक जा रहे हैं? ईस्ट स्ट्रीट, कौन है? कनाडा स्ट्रीट। कनाडा यहाँ पे भी है? अच्छा कनाडा घूमने का मन करेगा ना तो हम यहाँ आ जाया करेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं, क्वीन स्ट्रीट के आसपास जाता है, के रोड वाला उस तरफ। तो चलते हैं फिर। चलते हैं, पूरा चलते हैं, देखते हैं पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें काम भी है उधर, है ना। बाय, आज से मैं पिंक रोड पे रहूंगी। बाय बाय डैडी। अच्छा बाय डैडी, बाय बाय बाय, ओके। सात्विक ने बोला इसलिए जा रही हूँ, नहीं तो मैं, मेरा मन यहीं था रहने का। शायद हम ये रोड खत्म होने वाला है शायद हमारा। यहाँ पे आते थे लोहे का बन चुका है। जहाँ तक दिखा ना, लाइट भी गायब है। ये यहाँ पे खत्म हो गया शायद, क्या से अच्छा इधर भी जाने के लिए। देखो इधर इधर सब जगह हाईवे, ये तो हाईवे होगा ना, ये सारे मोटरवे है। मोटरवे के ऊपर से हम जा रहे हैं फुटवे पे। वैसे कई
बोलते हैं कि न्यूजीलैंड में लोग ही नहीं है। आप गाड़ियाँ देखो कितनी निकलती जा रही है, बस देखते रहो देखते रहो। हाँ अभी तो ऑफिस टाइम भी है ना, कहीं भी जाओ आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि इतनी गाड़ियां चल रही है तो सांस लेने में दिक्कत है या फिर कुछ ऐसा नहीं फील होता है ना। हाँ नहीं, क्लीननेस मेंटेन कर रखी है ना, एयर क्वालिटी इतनी अच्छी है, बहुत क्लीन है। अभी जैसे मैंने आपको रोड दिखाया है, यहाँ पे लोग वॉक भी करते हैं और साइकिलिंग से भी जाते हैं और दिन भर ये रोड ऐसे ही रहता है बिजी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी आप इतनी सफाई है ना, यहाँ पे थोड़ा सा भी कचरा नहीं होता। आर्टिस्ट है यहाँ के लोग। हो सकता है किया हो, सातवी और सातवी के फ्रेंड्स आके करके गए। अब देखो हम, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मतलब चढ़ाई है। अभी कहने को ये था 1 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये 1 किलोमीटर नहीं, ऐसा लगेगा आपको कि 5-6 किलोमीटर आपने वॉक कर लिया। क्या ऑप्शन ही क्या है, यहाँ से चलना ही है मुझे। अनिल मेरे को बोल रहे चलना है, मतलब मैं ऊपर जाने के लिए मैं कम से कम कितना, 1,000-2,000 डॉलर का तो होगा, 500-600। तो अपना चले नहीं, अपना चलाना भी मिलेगा मुझे चलाना। अरे ये क्यों लटका हुआ है भाई? नहीं लटका नहीं है, वो टेडी बेयर रखा हुआ है साइकिल के। Hi, teddy bear. ये बुटीक है zigzag फायर ट्रक, ये बेटा फॉल्स अलार्म में, ये सारे ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनका डेडी का काम है बसता रहता है। अरे रात में यार, रात में जब सो रही थी 2-3 बजे, मतलब अचानक से जब मैं बाहर निकल के देख रही हूँ कुछ नहीं हुआ था, वो सामने वाला जो हमारा रेल विहार है ना कहने को जो रेल विहार है वहाँ पे मतलब कुछ एक्टिविटीज हुई थी, वहाँ पे लाइट जल रहा था पूरी रात बस, और कुछ नहीं हुआ था। हम आ गए हैं डाइसो, यहाँ पे इतना क्यूट क्यूट सब कुछ मिलता है ना, देख रहे हो ये बहुत क्यूट क्यूट है सब कुछ। मन करता है सारे ले ले, लेकिन नहीं ले सकते क्योंकि इतना सामान यहाँ इकट्ठा करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये खरीद लो और ऐसा बैग बना लो आप बहुत ही अच्छा अच्छा मिलता है यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ना सारी चीज़ ही मिल जाएगी, जो मतलब कप वगैरह क्रॉकरी वगैरह ये सब होता है ना, और जैसे स्टेशनरी का कुछ होता है फैंसी, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये बचपन में जो हम अपने रजिस्टर अपने नोटबुक वगैरह पे स्टिकर लगाते थे वो दिखा मैंने। ये ना कार्ड है, स्टिकर नहीं है, मुझे लगा स्टिकर है, कार्ड है मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी बहुत सी शॉपिंग करनी थी वो मैंने कर ली, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ज्यादा बड़ी चीजें नहीं लेनी रहती है, छोटी छोटी जो आर्टिकल्स होते हैं ना, छोटी छोटी चीजें वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं लेती रहती हूँ क्योंकि कब क्या काम आ जाए, मैं एडवांस में शॉपिंग करती हूँ। आ गए हम शॉपिंग करने क्योंकि मुझे कुछ चीज चाहिए थी, आई होप वो मिल जाए। यहाँ पे देखो वेजिटेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल हुआ रखुआ ये बोला जाता है यहाँ पे, तो मुझे लेना है मशरूम, सोच रही हूँ एक लेमन भी ले लूँ, बहुत महंगा है यार, दिखाऊँ आपको एक ही लूंगी, ये अच्छा लग रहा
भाई बास्केट में भी रख दो और ले भी लो। प्यार से गुस्सा नहीं होने, इज्जतदार भाई है ये। पक्का वो ये वाला है, ये वाला है। गार्लिक भी सोच रही हूँ ले ही लेती हूँ, गार्लिक खत्म हो गया तो एक मैंने ले लिया गार्लिक। टमाटर अनिल लेके गए थे, ब्लॉग बनाते हुए कोई देख लेता ना पीछे के, और वो भी इंडियन होते ना तो बड़ा अलग से लगता मेरे को फील होता है। तुरंत हाँ ये भी मैं तुरंत कैमरा नीचे कर लेती हूँ, एक थोड़ा सा होता है ना फर्स्ट टाइम में होता है, जब मुझे धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो फिर नहीं करूँगी मैं किसी से नहीं शर्माऊँगी, मैं कैमरा नीचे ही नहीं करूँगी, 24 घंटे ब्लॉग बनाती रहूँगी। बस आप इसी तरीके से प्यार देना। सारे काम खुद करो, सारे काम खुद ही करना। उसको कॉइन का इंतजार रहते थे। आप जब भी काउंटडाउन आ रहे हो ना और नए हो यहाँ पे, तो आप ना एक यहाँ का कार्ड आता है वो बनवा लेना, जो उससे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं तो बाद में थोड़ा सा फ़ायदा होता है। हमने तो काफ़ी 2-3 बार उसका फ़ायदा लिया है। एक बार $15 का अच्छा $15 कुछ तो प्रॉफिट है ना, यहाँ पे इतना कॉस्टली है सब कुछ, तो थोड़ा सा भी हो जाता है तो अच्छा लगता है, तो आप वो कार्ड जरूर बनवा लो। अब हम जा रहे हैं फाइनली घर। निकले कितने बजे थे, 5 बजे के आसपास निकले थे ना, और अभी टाइम हो गया है 5:30। और घर जाके मुझे एक रेसिपी भी अपलोड करनी है, तो मैं बता दूँ तो जिनको मशरूम नहीं पसंद है ना, आज मैं ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, अब तो भी 3-4 दिन मशरूम ही खाओगे तो मैं इसलिए मशरूम लेने आई थी। मैं इतना फ्रेश ब्लॉग डालती हूँ ना इसलिए आप इतना प्यार देते हो। आज शूट किया मैंने, आज क्या है ट्यूसडे है ना, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को शूट किया है। अभी पूरा टाइम सब कुछ करने के बाद खाना वाना बनाने के एडिटिंग करूँगी, उसके बाद मैं अपलोड कर दूँगी, तो इतना फ्रेश ब्लॉग है ना, बासी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए ये भर भर के प्यार दे रहे हैं मेरे को, तो आप ऐसे ही प्यार देते रहो। अभी मैं बाय नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि रास्ते में कुछ ऐसी और चीज़ आ जाए जो मैं आपको दिखा दूँ। चलो कंटिन्यू ही करते हैं। अभी यहाँ शोर मचने वाला है, यहाँ पर देखो कितने स्पीड से काम करते हैं। ये लो सब इनका एक मिनट का खेल है। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि YouTube जो है हमें व्यूज़, डायमंड बटन, सिल्वर बटन इन सब चीज़ के लिए नहीं होता है, होता है लेकिन एक और रिलेशन बन जाता है। मेट भावेश भैया और अर्चना और उनका बेबी, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मेरी काफ़ी वीडियोस देखी है और अचानक हमने इंस्टाग्राम पे बात की और मैंने इन्हें अपने घर पे इनवाइट किया। नाउ वी आर फ्रेंड, और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, बहुत ही अच्छा लगा कि मैं YouTube पे आई तो मैं इन लोगों से मिल पाई। और सात्विक का तो ये फ्रेंड हो गया, अब कुछ दिन बाद ये सात्विक के साथ कैंडी भी जाया करेगा। तो आप बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।